हम ये कहते हैं कि ड्रग्स का जहां तक ताल्लुक है, जो चीज इस्लाम में हराम है हराम है। सना 3 हिजरी में जब शराब की हुरमत का हुक्म आया तो मदीने की सारी गलियां भर गई शराब से, हुक्म की पैरवी। लिहाजा हमें हुक्म की पैरवी करनी चाहिए। जो चीज जब इंसान इस्तेमाल करे वो आपा खो दे, उसे मालूम नहीं मैं किस जहां में हूं, ये मना है। लिहाजा जहां तक ड्रग्स का ताल्लुक है, मैं इसमें ज्यादा जिम्मेदार वालदेन को ठहराता हूं। मैं समझता हूं कि गली में थे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो इस बारे में कोई कदम उठाते हैं ये खुशाइन बात है, वरना असल बीमारी जो है अनफुसिकुम वाहलिकुम नार। कुरान ने कहा तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने आयाल को भी, अपने बच्चों को भी। हमें घर में कुरान मजीद अगर पूरा पारा नहीं, पूरा रुकू नहीं, चंद आयात पढ़कर बच्चों को हमें कुरान बताना चाहिए। कुरान हमें क्या कहता है, अहदीस उर्दू जबान में है, हम बच्चों को सुनाए कि हदीस शरीफ में हमें क्या बात बताई गई है। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा 5-7 मिनट अगर ऊपर भी चले जाए तो, क्योंकि ये कुछ अहम बातें होती हैं जो अर्ज करनी होती हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश एक दफा फिर ये है, हम इंतहाई पुरअमन तरीके से